सीटेक सीटेक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जेनरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जेनरिक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं कि कैसे हम उसको उसके बारे में जान सकते हैं वो जेनरिक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सबसे जो पहली चीज़ होती है आपको ये पता होना चाहिए कि जेनरिक कहते किसको हैं। जेनरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और उसे हर कोई सेल कर सकता है। ठीक है, पर डिपेंड करता है कि वो किसी की ब्रांड नहीं होना चाहिए। अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीद के उसको अपनी ब्रांडिंग कर ले रहे हैं तो वो आपका ब्रांड हो जाएगा, लेकिन अदर लोग भी अगर उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने ब्रांड से बेच रहे हैं वो उनका ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है, जेनरिक है एक तरीके से, क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो किसी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको अपने ब्रांड से ब्रांडिंग करके भी बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो कि जेनरिक के नाम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आप उस प्रोडक्ट को कैसे अपने लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जेनरिक प्रोडक्ट कैसे हमें पता चलेगा। सबसे पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पर जाइए और अमेजन डॉट इन में सर्च मारेंगे। जैसे जैसे सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, देखिए ये लिखा हुआ है जेनरिक। यहाँ पे आप ब्रांड नेम में आएंगे, देखिए यहाँ पे जेनरिक लिखा हुआ है। पहला ये कि अगर किसी लिस्टिंग के किसी भी सेलर के लिस्टिंग में अगर स्टार्टिंग में जेनरिक लिखा हुआ है या ब्रांड नेम जेनरिक लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट जेनरिक है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसको खरीद के सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेकेंड ये अगर इसी प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और इस ब्रांड को रजिस्टर्ड कराने के बाद सेल करते हैं तो भी आप इसको सेल कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जिस ब्रांड से आप नाम जिस ब्रांड से आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे और अमेजन पर रजिस्टर्ड करेंगे, वो ब्रांड जेनरिक की जगह पे वो ब्रांड नेम शो करेगा और उस प्रोडक्ट को कोई सेल नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मैपिंग कर पाएगा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जेनरिक लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे देखिए 27 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन सीरियल वाइज से शो कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए 3-4 शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएंगे एक वन बाई वन यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे क्या है, कंपिटिटर हैं सारे सारे कंप्यूटर है तो प्रोडक्ट जेनरिक, लेकिन यहाँ पे कंपिटिटर बहुत सारे हैं। कोई 199 में बेच रहा है, कोई 264 में बेच रहा है, कोई 388 में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसका प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ेगा, जो आगे से ही कॉस्टली लाया होगा, वो नहीं यहाँ पे इनको कम्पीट कर पाएगा और वो सेल नहीं कर पाएगा, उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में क्या है फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पहला तो ये कि जेनरिक लिखा होगा और ब्रांड नेम भी जेनरिक होगा। सेकंड कि यहाँ पे अगर मैपिंग बहुत सारे सेलर कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 27 लोग हैं, तो आप समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट जेनरिक ही है। और इसका मैं अभी आपको एक आइडिया और बता देता हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड नेम कुछ लिखा होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मैपिंग भी किए होते हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ब्रांड नेम जेनरिक तो लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम अलग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग मैपिंग कर रखे हैं, तब भी वो प्रोडक्ट जेनरिक ही होता है। वो कैसे आप पता लगा सकते हैं उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप उसको जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जेनरिक है या नहीं है और आप उस प्रोडक्ट को मैपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सेकेंड टाइम में। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 9 वॉट LED बल्ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, LED। यहाँ पे कितने लोग मैपिंग कर रखे हैं, 21 लोग। तो मैंने क्या बताया आपसे कि ब्रांड नेम जेनरिक नहीं होगा, कुछ और लिखा होगा, किसी नाम से लिखा होगा, सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए लोगों को, कि ये प्रोडक्ट लोगों को लगे कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है और आप इस पर मैपिंग ना करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 21 लोग सेल आउट कर रहे हैं। अगर ये जेनरिक नहीं होता तो यहाँ पे 21 लोग सेल आउट नहीं करते। अब तक ये जो सेलर है ये कंप्लेन कर चुका होता और ये लोग बैन हो चुके होते, पहला तो ये। सेकेंड ये कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो LED को यहाँ पे कॉपी कीजिए, ब्रांड नेम को, आईपी इंडिया के साइट पे जाइए। आईपी इंडिया के साइट पे जाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ब्रांड नेम, ये किस क्लास में, तो वो क्लास डालिए, सर्च कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको फाइंड किया LED को। यहाँ पे देखिए LED, एलईडीनियम, LED लाइट, कई सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब LED के नाम से नहीं लिखा हुआ है, LED अल्फा, LED लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये देखिए रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड 11 में 100 डिटेल रजिस्टर्ड है, अभी एक सौ चेक कर लीजिए, पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा पूरी कहानी क्या है। ये एलईडी वर्ल्ड मार्क एलईडी है, ये 11 में रजिस्टर्ड है, अल्फा और यूज इनकी में वाटर ट्रेटिंग डिसइंफेक्टेंट, ये है तो एलईडी में लेकिन ये डिफरेंट चीज़ में है, ये वाटर कंड्यूट्स, ये लाइट में नहीं है, ठीक है, तो ये अलग चीज़ में है तो एलईडी है लेकिन ये लाइट में नहीं है, एलईडी के नाम से है लेकिन अलग सेक्स अलग चीज़ में है, ये एलईडी बल्ब नहीं बेचता बंदा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलईडी ऑन, एलईडी ऑन बहुत सारी चीज़ें, तो यहीं पे मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये एलईडी अल्फा है, ये एलईडी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है एलईडी लाइट में, रजिस्टर्ड है, 11 में है लेकिन ये लाइट में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी मैं और भी दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि लोग सेल कर रहे हैं, आपको भी सेकेंड प्रोडक्ट कोई दिखाता हूँ किसी का जो कि सेल लोग कर रहे हैं और वो नाम से है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एस एल ए मैंने ले लिया, ये मैंने ये ब्रांड नेम एस एल ए, इसको कॉपी करो, आई पी इंडिया के साइट पर जाओ, इसको भी चेक करके हम देख लेते हैं, देखिए मैंने पहले से भी कर रखा है, ये तो यहाँ पे दिख रहा है, एस एल ए को फाइंड करो, देखिए एस एल ए के नाम से ये क्या है, रजिस्टर्ड है या हरीश कुमार के नाम से, लेकिन ये भी आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ में है, एलपीजी गैस में, ये लाइट में नहीं है, ठीक है, ये देखिए हरीश कुमार का एलपीजी गैस में, ये क्योंकि क्लास 11 में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइट भी आती है लेकिन लाइट के लिए नहीं है, ये गैस के लिए, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, और देखिए किसी चीज़ में लाइट में है ही नहीं है रजिस्टर्ड, ठीक है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जेनरिक है। देखिए यहाँ पे दो लोग बेच रहे हैं इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को दो लोग बेच रहे हैं, ये जेनरिक है, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो भी आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रोडक्ट को जैसे ये है, मैं इसी को ऐड करके दिखा देता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाइए ऐड प्रोडक्ट में, ऐड प्रोडक्ट में जाके आप इसको यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे आके न्यू सेल 26 लोग सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी इसको सेल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्राइस कुछ भी डाल देता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं लिस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको बंद कर दूँगा, यहाँ पे जीरो कर दो, कंट्री इंडिया, एचएसएन कोड कुछ भी डाल दो जो आप सर्च करके डाल सकते हो, एचएसएन कोड लाइट का क्या है, यहाँ पे 499, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना, इसको सेव करो, ये 15 मिनट के बाद, ये देखिए नहीं ले रहा है ये, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, चेक कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ, नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ये देखते हैं क्या दिक्कत है, नहीं हो रहा एचएसएन कोड, तो आप एचएसएन कोड सर्च कर सकते हो, एलईडी लाइट एचएसएन कोड, एलईडी देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एचएस कोड, आप इसको डाल सकते हो, कॉपी करो, आप एचएस कोड यहाँ डाल सकते हैं, सेव कर दो, अब जैसे सेव करेंगे 15 मिनट के बाद ये आप देखिए यहाँ पे आ रहा होगा ना 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद आपके इसमें इन्वेंट्री में शो करना शुरू कर देगा, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेनरिक है या नहीं है, अगर वो मार्केट में इजिली अवेलेबल है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, और पता कैसे लगा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, तीन तरीके, एक तो जेनरिक लिखा तो आप जान सकते हैं उसको, और एक सेकंड ये कि अगर एक किसी भी कोई भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ ब्रांड नेम और उसमें बहुत सारे लोग मैपिंग कर रखे हैं, 10, 5, 15, 20 लोग, एटलीस्ट कम से कम 5 लोग, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। थर्ड ये कि आप अगर कुछ नाम लिखा हुआ वहाँ पे है और उसमें मैपिंग लोग नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जेनरिक है, उसका ब्रांड उठाइए, आईपी इंडिया के साइट पर जाइए, वहाँ पे जाके चेक कीजिए कैटेगरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़िए, देखिए वो पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट में आप सेल कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है या नहीं, अगर है तो आप उसमें सेल आउट कर सकते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के फ्रेंड्स इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।